हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, अब निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज प्रोवाइड कर ही रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का प्लेलिस्ट बना दिया हूं, सारे प्रश्न वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप लोगों को जितना भी डाउट रहता है, जितना भी आप मैसेज करते हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें। बच्चों, आज हम यहां पर मैराथन क्लास लेकर आए हुए हैं। कम से कम एक घंटे का क्लास तो रहेगा, अधिक से अधिक जितना हो सकता है, जितना आज क्वेश्चन हो सकता है उतना हम कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं गारंटेड कहता ना बोर्ड एग्जाम में आप लोग बच्चों छाप के आओगे, ऐसे ही क्वेश्चन से मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। 4 ग्राम यूरिया है, उसको 100 ग्राम में घोला गया है और हिमांक अवनमन दे के रखा है। हल करते समय आपको क्या दिया है, ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। हिमांक अवनमन मतलब डेल टी एफ दे के रखा है, कितना है, 1.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यूरिया का आणविक द्रव्यमान निकालना है। अच्छा, यूरिया का आणविक द्रव्यमान, यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा? NH2CONH2। बताते चलता हूं, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप लोग, कहां से कहां क्या हो गया। सबसे पहले 4 ग्राम यूरिया यानी बेट दे के रखा है। अब एक चीज मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा, बिलियन में दो चीज होता है बच्चों, एक तो होता है विलायक, आज बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, और एक होता है विलेय। विलायक को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय को बी से। तो जब विलायक की मात्रा होगी बच्चों, विलायक की मात्रा यदि मैं आपसे कह दूं, विलायक, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा यदि कही जाए तो आप लोग कहोगे डब्ल्यू ए। क्या कहोगे बच्चों? डब्ल्यू ए। तो विलायक मतलब जिसमें घुला है वो 100 ग्राम है। क्वेश्चन दे के रखा है कि 100 ग्राम में मिला हुआ है, कितने में, 100 ग्राम में। अब मैं आपसे कह दूं विलेय की मात्रा, विलेय जो मिला है, विलेय की मात्रा वो आपका डब्ल्यू भी होगा, वो है आपका 4 ग्राम। क्या है? 4 ग्राम। क्वेश्चन में बच्चों ये आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया रहेगा कि डेल टी एफ तो मान लीजिए तापमान है, और केवल के एफ का मान दिया रहेगा, नहीं दिया रहे डेल के एफ या के एफ, ऐसा दिया रहेगा 1.86 केजी प्रति मोल, ये आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, अलग से हमको लिखना नहीं पड़ता, क्वेश्चन में मैक्सिमम ये आपको मिल ही जाएगा देखने को। अब बच्चों यहां पे आपको एक फार्मूला तैयार रखना होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक वाला जो फार्मूला होता है हिमांक अवनमन का। तो वो आप लोगों को यदि नहीं पता है बच्चों तो फिर दिक्कत है। इसके लिए आणविक द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है ये आपको हो जाता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटा डेल टी एफ इंटू 1000 अपान डब्ल्यू ए। अब ये फार्मूला यदि नहीं बन रहा है तो फिर आप अभी इसको नोट कर लो अलग से कॉपी में, और तैयार भी करना है क्योंकि मुझे आणविक द्रव्यमान निकालना ही है, एम बी निकालना ही है। के एफ का मान है 1.86, डब्ल्यू बी का मान है आपका 4 ग्राम, और डेल टी एफ का मान है आपके पास 1.24 इंटू आपका 1000/100, 00 से 00 कैंसिल हो गया। इसको काटना है, 4 से कट रहा है क्या? हाँ, 4 3 12 और 4 1 4 ये हो गया बच्चों 10 है, 10 का भाग जाएगा तो 18.6 हो जाएगा और 0.31 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका भाग दो 3 से तो 3 6 18 तो लगभग यहाँ पर आप पहले 31 है ना, 31 का ऐसा करो कि यहाँ पे और कुछ बचा है क्या, 1.86 बच्चों। ठीक है, उल्टा रख दिया मैंने, डेल टी एफ का मान कितना था, 1.24। इसको काटने पर लगभग बच्चों 6 से तो कट रहा सीधा, यानी ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ग्राम, जी आर ए एम, ग्राम प्रति मोल, ये आंसर आ गया, आंसर आ गया। ध्यान रखना, ये आपको फार्मूला क्लियर रहना चाहिए तभी आप लोग कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं बन पाएगा, ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी आपका यहाँ पे मान लीजिए हिमांक अवनमन है, अब मान लीजिए क्वथनांक उन्नयन आ जाता है, तो क्वथनांक उन्नयन के लिए यहाँ पर आपका हो जाता के बी और डेल टी बी, बाकी यही फार्मूला लगता है क्वथनांक उन्नयन के लिए, ये हिमांक अवनमन के लिए। अब हो सकता है कि मान लीजिए आपकी बुक में यही क्वेश्चन दिया हो और मिस प्रिंट दिया हो, ठीक है ना, आप लोग यदि इसको देखोगे बच्चों परीक्षा बोर्ड में तो ये आपका गलत मान देता है। ठीक है, मान गलत इसलिए देता है, वहाँ पे आप लोग जब देखोगे तो वहाँ पर के एफ के जगह डेल टी एफ का मान रख दिया है, तो परेशान मत होना कि सर हमारे परीक्षा बोर्ड में तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों।
अब बारी आ गई दूसरे क्वेश्चन की सॉल्व करने की। बच्चों देखिएगा फटाफट, सुक्रोज के 100 ml बिलियन में, यहां पर देखिए रखा है 100 ml बिलियन में 6.84 ग्राम सुक्रोज बिले है। अब थोड़ा सा एक चीज आप तो क्लियर रखिए कि यदि कोई पदार्थ बिले है तो कहीं ना कहीं ये आपके डब्ल्यू बी का मान हो गया, वेट है, सही है ना, कि बिले की मात्रा आ गया। कितने में मिला है बच्चों? 100 में मिला है। 100 का मतलब क्या हुआ? ये आपके पास 100 मिलीलीटर बिलियन में मिला है, तो बिलियन की मात्रा भी दे के रखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन, ये आपका बिले पदार्थ की मात्रा दे के रखा है। तीसरा कंडीशन, टेम्परेचर दे के रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसका प्रसरण दाब क्या होगा, और आर का मान भी दे के रखा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहां से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका वेट दे के रखा है जो कि मिला है 6.84 ग्राम, ठीक, ये पहला कंडीशन सर। अब यदि मैं आपसे कह दूं सुक्रोज C12H22O11, इसका जब आणविक द्रव्यमान निकालोगे ना बच्चों Mb, इसका मान आएगा 342, तो आपके पास M का मान भी दे के रखा है 300 कितना 42। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब V का मान कितना है ml में, तो V का मान ml में है आपका 100 मिलीलीटर। अब इसको मैं कह देता VL, भी लीटर में यदि बात करता तो 100/1000, ये 100/1000 जब भाग देते 0.1 लीटर आ जाता, ये इसका मान आ गया, ठीक। R का मान दे के रखा है 0.082, आगे आप लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, लीटर इधर लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप लोगों को एक फार्मूला तैयार करना है कि जो कि पाई बराबर होता है WRT अपान एम वी, या ऐसा भी मिल जाएगा कभी कभी WBRT अपान MB इंटू वी लीटर। अब एक चीज और, यहां पे T पता है हमको कि 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यदि इसको केल्विन में बदलना है तो 273 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 293 केल्विन, और वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो। WB का मान कितना है 6.84 ग्राम, R का मान कितना 0.082, T का मान कितना है 293 केल्विन डिवाइड बाय, M का मान कितना है 342 गुणे V 0.1। अब आप लोगों को एक परेशानी जाएगी कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला सर, इसके लिए मैं बता देता हूं। कार्बन टोटल 12 और एक कार्बन का होता है 12, ठीक है। फिर बच्चों हाइड्रोजन का एक होता है, टोटल 22 हाइड्रोजन है प्लस का, ऑक्सीजन का 16 होता है गुणा 11। अब 12 बराबर 144 और 22 एक कम 22, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16 117, इसको जोड़ दो तो देख लो 6, 2, 8, 4, 12 की 2 हासिल 1, 7, 2, 9, 9, 4, 13 की 13, 13, 1, 14 की 4 हासिल 1, और 1, 2, 1, 3, ये आपका आ गया। कैलकुलेट करके दिखा दिया, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे, बोलोगे सर कहां से आ गया। यदि इसको देखा जाए तो 2 से जा रहा है, 0.2 आ जाएगा, देख लो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दशमलव से दशमलव हटा दो तो बचेगा 2×0.082×293 गुणा करेंगे 3×2 6, 9×2 18, 2×4 1 5 गुणा में बच्चों 0.082। अब इसको एक लंबी श्रृंखला में गुणा करना, इधर लंबी श्रृंखला में गुणा कर लेना आप लोग, गुणा करोगे तो लगभग आएगा 8×5 40, 4 के आसपास, 8×5 40 ऐसे ही लगाता हूँ, 4.8 वायुमंडल, ये लो आपका आ गया प्रसरण दाब, ठीक है, यही आंसर है। तो बच्चों आज का क्लास मैराथन है, इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा, जिसको बोरिंग लगे वो हट जाए, उसको लास्ट तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में खुद रोएगा कि हाँ यार उस दिन हम पढ़े होते तो आज हमको रोना नहीं पड़ता। अगला प्रश्न बच्चों, ग्लूकोज के 5% बिलियन के 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब की गणना कीजिए, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 है और R का मान इतना है। अच्छा पी वी बराबर RT आपने पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल है, चूंकि देखिए पहले आप लोगों को हल करते समय ध्यान ये देना है कि 5% बिलियन है तो 100% बिलियन निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो 5 ग्राम जो आपका ग्लूकोज है, 5 ग्राम यदि ग्लूकोज मिला है
ग्लूकोज कितने में मिला है? 5 ग्राम ग्लूकोज जो मिला है बच्चों 100 ml, ग्लूकोज 100 ml में घुला है, ठीक है। ये क्या बताता है, इसी को लोग नहीं समझ पाते। 5% बिलियन का मतलब होता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में घुला है, ये पहला कंडीशन दे के रखा है। अब चूंकि आणविक द्रव्यमान कितना है 180, तो 180 ग्राम कितने में घुला होगा, तो 180 ग्राम ग्लूकोज देखिएगा, हम यदि बात करें बच्चों कि 5 ग्राम 100 में, तो 1 ग्राम कितना 100/180, 100/5, फिर से समझना, 5 ग्राम 100 में तो 1 ग्राम 20 में, सही है कि नहीं, 5 ग्राम यदि 100 में तो 5 का भाग दे देंगे तो 1 ग्राम 20 में, तो 180 ग्राम के लिए हम इसको गुणा कर देंगे, तो यदि काटें तो 20 × 5 = 100, मतलब 18 × 2 = 36, यानी लीटर में 3.6 लीटर, ठीक है, ये ml में है, इसको हमने लीटर में बदल दिया, तो ये हमारे पास v का मान आ गया कितना 3.6 लीटर, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा दिया बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मतलब T का मान दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, और 273 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 293 केल्विन, ठीक है, 293 केल्विन आ गया। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान R का मान भी देके रखा है कितना है 0.0821, इधर लीटर वायुमंडल लिख लेना आप लोग, लीटर वायुमंडल, ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं PV बराबर होता है RT, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी सूत्र है, अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, भी का मान है 3.6, R का मान 0.0821, तो और T का मान बच्चों 293, कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा 0.0821 गुणे 293 डिवाइड बाय 3.6। अब इसको कैलकुलेट करो, इन दोनों का गुणा करो और इसका भाग देना, ठीक है, तो जब आप गुणा करोगे तो 8 × 2 = 16 है, और 16 में 3 का भाग दोगे तो लगभग 36 / 18 है, 6 तक में जाएगा, 6.80 आ जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ पे आप पूरा गुणा करो, तो ये आप चौथी पांचवी क्लास का काम जो है हम नहीं करेंगे, ध्यान रखना, अब आप 12th क्लास में हो तो इसका गुणा करना और फिर भाग कर देना, और भी ना बने तो थोड़ा सा इसका मैं डिटेल समझा देता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाओ। यदि दशमलव हटाना चाहे तो दशमलव कैसे हटाया जाता है, देखो दशमलव हटाने की तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 दशमलव है, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव हटाने का तरीका ये है कि 8, 2, 1 है ना, और नीचे जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद जितने अंक उतना 0 ऊपर गुणा कर दो, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना 0 नीचे गुणा कर दो, तो 1 0 से 0 कट जाएगा और बाकी 293 है। अब इसका गुणा कर लेना फिर भाग दे देना, और ये 3 0 का मतलब है जब लगाना तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा देना, खत्म कहानी, ठीक है, कर लेना बच्चों। और भी आएगा दशमलव तो दशमलव के बाद 2 ही अंक लेते हैं, ज़्यादा लेने की जरूरत तो नहीं रहती। अगला प्रश्न है बच्चों कि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है, तो बिलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले दिया है NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा, इसकी मात्रा बच्चों हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे, वेट है, मतलब 5.85, ये तो ठीक है, ये पहला कंडीशन दे के रखा है। दूसरा NaCl का आणविक द्रव्यमान हम आपसे कह दें, आणविक द्रव्यमान मतलब आप लोग MB का मान, MB का मान बताओ, तो इसका मान जो आता है बच्चों मैं आपको बता दूं, सोडियम का 23 और इसका 35.5, मतलब 58.5 आ गया आपके MB का मान, ठीक है। आगे बोला है कि 250 ग्राम जल में, यानी विलायक का मान जो है WA का मान है 250 ग्राम है, ठीक है, 250 ग्राम, तो भाई साहब बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। अच्छा, मोललता का फार्मूला होता है WB बटा MB गुणे 1000 WA, ये होता है, बस फार्मूला पुट कर दो। WB का मान कितना है 5.85, यही है ना WB, MB का मान कितना है 58.5, फिर बच्चों आपका 1000 और नीचे 250
250 से चौकों से जाएगा। अब देखिएगा दशमलव हटाने का तरीका बताता हूँ, ये 585 ऊपर रखिए और 585 नीचे रखिए। दशमलव हटाने का तरीका, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो ऊपर, दशमलव के बाद दो अंक है दो जीरो नीचे, बाकी ऐसे ही रहने दीजिए। पूरा का पूरा कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी 0.4 आ गया, 0.4 मोलरिटी है ना, मोललता आ गया। देखो कितना सरल है ना, दो मिनट भी नहीं लगे, आसानी से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आप लोग यूँ आसानी से कर पाओगे। मेरा था ना भाई साहब, समय देना पड़ेगा, लेकिन ये भी गारंटी लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना तो फिर आप हमेशा के लिए क्लियर रहोगे, कभी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन आप लोग करोगे भाई साहब, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, जल की मोललता कुछ भी नहीं दिया है, जल की मोललता निकालनी है और मोलरता भी निकालनी है। तो यदि मैं आपसे कह दूँ यहाँ पे बच्चों, जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होता है सबको पता है, मतलब H2O का आणविक द्रव्यमान, यानी आपको निकालना है यहाँ पर आणविक द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का एक होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, दो हाइड्रोजन दो जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 18, ये आणविक द्रव्यमान आ गया। ठीक है, फिलहाल इतना क्लियर है, ये किसका मान आ गया बच्चों, आणविक द्रव्यमान, ये जल का आ गया। ठीक, अब मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर घनत्व दिया है, जल का घनत्व, जल का घनत्व, जल का घनत्व है 1 mole/mL, एक मोल प्रति एमएल, मोल दिया रहेगा मान लीजिए तो इस तरीके से। यदि हम आपसे कह दें कि 1000 mL में जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1000 mL में, 1000 mL में जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का फार्मूला पता है, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, मतलब यदि आयतन आपका 1000 है तो घनत्व गुणे 1 है तो आपका हो जाएगा 1000 ही ml। यानी आप लोग पढ़ते हो ना कि मोललता या मोलरता, तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक ये चीज़ पढ़ते हो। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब जल का आणविक द्रव्यमान क्लियर है हमारे पास, mb का मान दिया है हमारे पास, है ना, कि चूंकि आपके पास mb का मान दिया है कितना 18 है, और यदि आपसे कह दें कि आप wa यानी उसकी मात्रा द्रव्यमान सॉरी wb, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1000, wb का मान हो जाएगा 1000, वह आप कहोगे कि भी ml में यदि आपसे कह देंगे तो आप कहोगे 1000 ml। ठीक, ये भी निकल गया भाई, आणविक द्रव्यमान भी हमने निकाल लिया, इसकी मात्रा भी मान लीजिए आपका जो है आणविक द्रव्यमान भी निकाल लिया और वेट भी निकाल लिया, दोनों चीज। अब जब मोलरता निकालते हैं तो मोलरता का होता है wb/mb गुणे 1000 बटे आपका vml, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये wb का मान आपके पास 18 है, नहीं 18 नहीं है, 1000 है, 1000 बटे 18, ये इसका मान 1000 है, ये vml का मान भी 1000, 1000 से 1000 काट दो, 5.5 है आंसर आ गया। ठीक, और जब हमको क्या निकालना होता है, मोललता, मोललता के लिए होता है wb/mb, नीचे वही रहता है, गुणे 1000/wa, wa का मतलब कितने में मिला हुआ है, तो 1000 में ही मिला है, 1000 ml में ही मिलाया गया है, देखो ना यहाँ पर लिया हमने 1000 ml में ही मिलाया है, तो सेम रहेगा पोजीशन, सेम रहेगा, सेम आंसर भी आएगा, भटकने की जरूरत नहीं है, 55.56 या 55.55 सेम दोनों चीज़ वही आएगा। ठीक है, या आप ऐसा भी देख सकते हो कि 55.6 कर दो डायरेक्ट, बस खत्म कहानी, तो ये आपके पास आ चुका है शुद्ध जल की मोललता। कितना समय लगता है, कितना समय लगता है बताओ ना, 2 मिनट से ज़्यादा समय लगता है, आप ही बताओ, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है ये क्वेश्चन को करने में। लेकिन उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को क्लियर भी हो रहा होगा, सारे प्रश्न तैयार करना है यदि आप लोगों को अच्छे नंबर लाना है, और यदि भटकना है तो फिर आप आधे अधूरे भी तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लगभग मिलता जुलता है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 12.5 ग्राम यूरिया सबसे पहले क्या दिया रहता है, ये आपका विलेय का मान है, और विलेय का मान हल करते समय जो भी दिया रहे उसको सबसे पहले लिख दो, कि wb दिए के रखा भाई, wb कि आपके पास है 5.12.5 ग्राम, ये पहला कंडीशन दे के रखा है।
यूरिया के 170 ग्राम जल में, अब जल का मान दे के रखा है मतलब आपके पास हुआ डब्ल्यू ए दे के रखा है यानी विलायक का मान दे के रखा है 170 ग्राम, दूसरा कंडीशन दिया है। क्वथनांक में उन्नयन, अब बोला था ना पहले क्वेश्चन में वहां हिमांक में अवनमन था, यहां क्वथनांक में उन्नयन है मतलब डेल टी वी का मान दे के रखा है आपके पास 0.63 केल्विन। आगे जल के लिए केबी का मान भी देखे रखा है, वह केबी बराबर आपके पास है 0.52, ये देखे रखा है, ये चीज क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, एमबी, एमबी का फार्मूला होता है केबी, वहां पे केएफ था, कोई दिक्कत, डब्ल्यू बी बटा डेल टी बी गुणे 1000 बटा डब्ल्यू ए, वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन आपका काम है। यहां 0.52 इंटू डब्ल्यू बी 12.5 गुणे 1000 डिवाइड बाय डेल टी बी का मान 0.63 और वो 170, जीरो से जीरो काट दो, 17 51 कट नहीं रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 नहीं कट रहा है। अब कुल मिलाकर के गुणा भाग करने की बारी आ गई है, देखो दशमलव से दशमलव हटा दो तो 52 हो गया, इसको आप गुणा करोगे तो 1250 आ जाएगा, नीचे आपका 63 रहेगा ही और गुणे 17, इस दोनों का कैलकुलेट करके भाग दे दो। जब गुणा करोगे बच्चों तो मैं यदि आपसे कह दूं कि 17 6 102 तो 10 आ जाएगा और 12 5 60 और 60 में 10 का तो 6 आएगा, 6 स्टार्टिंग में आएगा, क्लियर है, 6 आएगा और 60.7 इसका आंसर आता है ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, अब यदि आप गुणा नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी कमी है, ये आपका भाई, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम में हम सुपर फास्ट करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम 10 मिनट में एक क्वेश्चन करा रहे हैं, 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन को खत्म करना है, इसलिए टाइम पास नहीं, फटाफट यहां पे हमको चलना है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इत्मीधान से लगाओगे और मजा भी आएगा, देखना बच्चों, यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है 0.25 किलोग्राम के 0.25 मोलल जली विलयन बनाने के लिए, कितना आवश्यक है। चलो सबसे पहले बोला 0.25 मोलल जली विलयन, जी हल करते हैं, 0.25 मोलल विलयन, इसका मतलब यह है कि 0.25 मोल जो यूरिया है वो 1000 ग्राम में है, 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम जल में है, जल में है, मतलब भाई साहब कि इतना मोल 1000 ग्राम में है, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान बता सकते हो, बताओ यूरिया का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बता सकते हो कितना होता बच्चों, 60। तो हम बात करेंगे कि यूरिया का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान कि भाई साहब इतना मोल है तो 1 ग्राम के लिए इतना मोल, ठीक है, तो यदि मैं कह दूंगा 60 के लिए तो 0.25 25 का गुणा 6 से कर दो है ना, तो आपका 150 आ जाएगा और एक जीरो है ही है, ठीक है, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, इतना ग्राम आ गया यानी 15 ग्राम यूरिया है हमारे पास है, 15 ग्राम यूरिया है यानी 15 ग्राम यूरिया मिला हुआ है 1000 में। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना होगा, बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान, तो कहोगे सर बिलय हमारा 15 है और 1000 में मिला है मतलब 1015 ग्राम, और जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.015 क्योंकि 1000 का भाग देंगे तो ये आपका किलोग्राम में आ जाएगा, यानी बिलियन का कुल द्रव्यमान निकल कर आया। और हमें यह निकालना है कि 0.25 के लिए यूरिया का द्रव्यमान, समझ रहे ना, तो मैं आपसे कह देता हूं यहां पर कि भाई साहब ये कितना, यहां पर ये इतना किलोग्राम है तो इतने किलोग्राम में इतना ग्राम मिला है मतलब 1.015 किलोग्राम में यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा निकल कर आया बच्चों 15 ग्राम। तो हमें निकालना है 2.5 किलोग्राम बिलियन के लिए, इस बिलियन में भाई बोला है ना 2.5 किलोग्राम बिलियन में, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा,
टोटल यदि मैं बात करूं 15 गुणे 2.5 डिवाइड बाय 1.015 तो लगभग आ जाएगा 36.94 ग्राम। ठीक, ये कहोगे कैसे सर? देखो भाई साहब, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो है हमारे पास इतना किलोग्राम में इतना है, तो एक के लिए इसका भाग दूंगा, फिर इतने के लिए गुणा करना पड़ता है, क्योंकि एक नियम चौथी क्लास में पढ़े हो ना कि इतना किलोग्राम इतना, इतना किलोग्राम के लिए इतना है, तो एक किलोग्राम के लिए भाग करना पड़ेगा, फिर इसके गुणा कर, जितना मान निकल रहा उसको गुणा कर देंगे। मैं कहने का मतलब यहाँ पर यूनिट का मान निकाल लेंगे, इतने किलोग्राम में इतना ग्राम मिला है तो एक किलोग्राम में इसका भाग कर देंगे, फिर इतना निकालना है तो उसको गुणा कर देंगे, यही सिस्टम चलता रहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है, 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलकर 293 केल्विन पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। हल करते हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ये बोला गया है कि शुद्ध विलायक, जल का वाष्प दाब मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है 17.535, ये पहला कंडीशन है। mm दिया बच्चों, जो भी दिया है, हमें पीए का मान निकालना है। ठीक है, और क्या देके रखा, 25 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब WB वेट है, कितना बच्चों 25 ग्राम। तो हमें दिया, आपसे कह दें कि MB कितना होगा, ग्लूकोज का C6H12O6, इसका होता बच्चों 12×6=72। ठीक है, और इसका प्लस में करो, ये आपका 12 स्वयं है और 16×6=96, टोटल जोड़ लेना 180 आएगा। ठीक है, ये कंडीशन मिल गया। और भी दिया भैया, 293 केल्विन दिया है, केल्विन की आवश्यकता है नहीं फिलहाल, यहां पर हमें दो चीज मिल गया, WB और MB, और कितने में मिला है ये चीज, जल का जो मान है 450 ग्राम में मिला है, मतलब विलायक की मात्रा है 450 ग्राम। ठीक, ये चीज देके रखा है। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P0A - PA / P0A इक्वल XB होता है ना, XB, और यही XB जो होता है वो WB * MA / MB * WA के बराबर होता है। इसको हटा दें तो P0A - PA / P0A इक्वल WB * MA / MB * WA। बैलेंस पुट कर दो, जो भी बैलेंस इसका है, मान है P0A का मान हमारे पास है 17.535, इसका हमें मान निकालना है 17.535। फिर इधर बच्चों वैल्यू पुट करो, WB का मान कितना, 180 है नहीं है, WB का मान है 25, और MA मतलब जल का आणविक द्रव्यमान 18 होगा। ठीक है, MB का मान 180 निकला है, और WA 450 है। ये कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन करो भाई, 18 से तो कट ही गया। ठीक है, इसके बाद 5×25 5×2=10, 5×45 90 आ गया, मतलब 9×2=18 180 तो इधर आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया 17.535 -PA। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.535/180, 18 से भाग दो, 18 नैया 162, 9 जाएगा, 9 आएगा, 18 नहीं है 162, 175 है, तो लगभग इसका मान आया 0.0975। कैलकुलेशन आप अपनी इच्छा से करना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो PA बराबर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 17.535 -0.0975, कैलकुलेट कर लेना बच्चों, इसका मान आ जाएगा आपका 17.438 mm। ठीक है, HG, ये लो। ये कैलकुलेशन कहां से बनेगा, बोलो सर कैलकुलेशन हमसे तो नहीं बनेगा, नहीं बन रहा तो फिर डूब मरो, ये आपकी कमी है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे पढ़ाने का तात्पर्य है कि ये जो फार्मूले आपको दिए जा रहे हैं, इन फार्मूले से क्वेश्चन आएगा। अभी इसे मोल प्रभाष में बात करता हूं, मोल प्रभाष से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा,
तो आप लोग डिसमिस नहीं होंगे, बिल्कुल एक एक प्रश्न तैयार करेंगे। इसीलिए मैं मैराथन ला रहा हूँ। एक एक घंटे का टारगेट बनाने का तात्पर्य यही है कि जो बच्चा भटक रहा है ना इधर उधर, जो परेशान है कि सर हम क्या करेंगे, कैसा क्या होगा, तो आप लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ, तो भटकने की जरूरत नहीं है और मैथड वही रहेगा। अब आप सोचोगे कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाए तो ये सिमिलर गारंटी नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये गारंटी है। अब आप इस प्रश्न को लगाओ बच्चों, कितना मजा आएगा देखिएगा। हल करते हैं, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक लाइन से प्रश्न पढ़ने के लिए। एस्कार्बिक अम्ल के द्रव्यमान की गणना करनी है हमको, मतलब यहाँ पर एस्कार्बिक अम्ल जो है बिले के द्रव्यमान यानी मात्रा निकालनी है, यानी एस्कार्बिक अम्ल मतलब हमारे पास ये बिले है तो डब्ल्यू भी हमें निकालना है, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूँ कि एस्कार्बिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बता दो। आणविक द्रव्यमान जिससे निकालते नहीं बनता, मैं अभी निकाल कर दिखा रहा हूँ। आणविक द्रव्यमान मतलब आपका MB कैसे निकलेगा। 6 कार्बन है और एक कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान। 8 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 12 होता है। 12 ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 12 × 6 = 72, 8 × 1 = 8 और 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96। टोटल यदि जोड़ दो बच्चों तो 6 × 6 = 8, 8 × 2 = 16, 6 हासिल 1, ठीक है। 9 × 9 = 16, 16 × 1 = 17, 176 आ गया। मतलब हमारे पास MB का मान आ चुका है 176। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। जिसे 75 ग्राम एस्टिक अम्ल के घोलने पर, मतलब 75 ग्राम घोल रहे हैं एस्टिक अम्ल पर, यानी जो विलायक है उसका मान है 75 ग्राम। गलनांक 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ है, कम हुआ है, मतलब अवनमन हुआ है, तो ∆Tf ये आपके हिमांक में अवनमन आ गया है, वो आया है 1.5 यहाँ पर केल्विन है बच्चों, तो ठीक है केल्विन नहीं है, डिग्री सेल्सियस है, चलो डिग्री सेल्सियस है। तथा Kf का मान दे के रखा है, Kf बराबर, Kf कितना है 3.9 किलो कैलोरी किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये तो आपके पास क्वेश्चन में दे के रखा है। अब फार्मूला होता है ∆Tf बराबर होता है Kf इंटू डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू बी गुणे 1000 डिवाइड बाय ∆Tf, ∆Tf है तो यहाँ पर MB हो जाएगा, या कि MB इधर ले जाते, इसको इधर ले आते, कोई दिक्कत नहीं, गुणे WA। इस पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पर मान है 1.5, इसका मान है KF का मान 3.9, WB का मान हमें निकालना है, गुणे 1000 डिवाइड बाय MB का मान हमारे पास 176 और WA का मान है 75। ये लंबा चौड़ा कहानी है, यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए डब्ल्यू बी बराबर निकाला जाएगा तो भाई ये आपका 1.5 है गुणे 75 हो जाता, गुणे 176 हो जाता, डिवाइड बाय 3.9 हो जाता और फिर गुणे आपका 1000 हो जाता। यहाँ पर बच्चों 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15 और 13 × 3 = 39, ठीक है। यदि यहाँ से काट देता तो 13 × 1 = 13 बचता 4, तो 13 से नहीं कट रहा है। कुल मिला करके इसका आप भाग दो, पहले इसका भाग दो या इनसे गुणा कर दो, जैसे 5 × 25, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 37, सही है। इतना हो गया, 0.5 का है इसलिए इतना हो गया, गुणे 176 डिवाइड बाय 1.3 × 1000। इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका भाग दोगे। अब जैसे बच्चों मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, तो जब इसका भाग देंगे तो जैसे 5 × 31 लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, तो इसका जब आंसर आता बच्चों 66 00, ये और 0.1 अंक के बाद, तो हमने 1 अंक के पहले यहाँ पे 0 लगा दिया, नीचे आपका 1.3 × 1000 ऑलरेडी है। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपका मान लीजिए 00 है और 0 के बाद 0 हटा दो, इसमें 1.3 का भाग दो, फिर 1000 का बाद में भाग देना,
जब इसका भाग दोगे बच्चों तो आपको पता है कि 5 से जाएगा 13 5 65, फिर भाग न पहुँचे लब्ध सुन, फिर 7 से जाएगा लगभग, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी दशमलव में जो भी आएगा इससे मतलब नहीं है, हम 1000 का भाग देंगे, 3 जीरो के पहले दशमलव लगाएंगे तो ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ये आ गया, ठीक, ये आंसर आ गया। तो दशमलव लगाने का भी तरीका होता है भाई, इसका गुणा करोगे तो इतना आएगा, फिर इसमें हम 1.3 का भाग दे रहे हैं मतलब 13 का भाग दे रहे हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, ये क्लियर है, ठीक है। फिर आपको 1000 का भाग, जीरो का जितने जीरो का भाग दे रहे हैं ना उसके पहले दशमलव खिसकाएंगे, जैसे 3 अंक के पहले दशमलव खिसका दिए, क्यों, क्योंकि ये आपके पास 3 जीरो हैं, पहले यहाँ पर दशमलव नहीं था, बताया रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं तो कह दो सर कहाँ से आ गया, पहले इतना था और दशमलव में कुछ और रहा होगा बटे 1000, फिर 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया भाई साहब, क्वेश्चन में मजा आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम मूल प्रभाज से करते हैं, तो मूल प्रभाज के लिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों कि 12 ग्राम जल है, 100 ग्राम एस्टिकम्ल है और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है, 3 यहां पर आपके पास घटक है। मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल की संख्या को ऊपर रखते हैं और नीचे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या निकालते हैं। वैसे इस विलयन में 3 घटक हैं, एक तो जल, दूसरा एस्टिकम्ल और तीसरा एथिल एल्कोहल। मैं आपसे कह देता हूं जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है एमवी बच्चों, जल का सूत्र होता है H2O और इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन तो 18 हो जाएगा। मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और भैया एस्टिक अम्ल CH3COOH का, इसका कैसे निकालोगे, 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है सॉरी, तो 4 हाइड्रोजन का 4 होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन का आपका एक ही होता है। ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 = 32 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे बच्चों तो 4 और 4 कितना होता है, 8 और 8 = 2 = 10, ठीक है, और 2 3 5 1 6 ये 60 हो गया, किसका बच्चों, एस्टिक अम्ल का। और आया है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, इसके लिए कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12 × 2 = 24, कितना हो जाएगा 24, ठीक, प्लस हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 16, टोटल कितना हो जाएगा 6 × 4 = 10 = 46 हो जाएगा, ये आ गया। ये आणविक द्रव्यमान है तो कहीं ना कहीं जल की मात्रा, जल की मात्रा बच्चों आपके पास 12 ग्राम है, कितना है 12 ग्राम टोटल लिखना पड़ता है ना पूरा हल में। एस्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की मात्रा, एस्टिक अम्ल की मात्रा बच्चों कितना है, 100 ग्राम है, ठीक। फिर आपसे कह दूं कि एथिल एल्कोहल की मात्रा, एथिल एल्कोहल की मात्रा, एल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो भाई साहब 92 ग्राम है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब हमको मोल प्रभाज निकालना है तो इन सबका मोल की संख्या होनी चाहिए, यानी जल के मोल की संख्या, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जितना मात्रा दिया हो उसके आणविक द्रव्यमान से भाग देते हैं तो 0.67 आएगा, क्योंकि भैया 18 का भाग जाएगा नहीं, भाग न पहुंचे लब्ध सुन, दशमलव लगाओगे जीरो लग जाएगा, 120 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 6 से जाएगा, फिर 12 बचेगा, 27 से जाएगा, ठीक है, ये मोल आ गया, मोलों की संख्या आ गई। इसके बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या देखो बच्चा कैसे आएगा, एस्टिक अम्ल की मात्रा 100, एस्टिक अम्ल CH3COH इसका है 60, एस्टिक अम्ल थोड़ा सा देखना, 100 ग्राम एस्टिक अम्ल है, ठीक है, तो 100 / 60, 100 ग्राम ही है ना, इसका यदि 0 से 0 काट दो, भाग दो, 6 × 6 = 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 × 6 = 36 क्योंकि 40 था, फिर 6 × 7 = 42, इतना मोल आ गया, ये किसका आ गया, एस्टिक अम्ल। अब आपको निकालना एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, क्योंकि यदि एक बार मोल प्रभाज आपसे बन गया तो फिर किसी भी क्वेश्चन का आप निकाल सकते हो। आप देखिए उसका 92 है, 92 में
आप भी 46 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, मतलब 2 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, 2 मोल आ गया। तो यदि मैं आपसे कह दूं टोटल जो मिश्रण निकला है आपका, मिश्रण के मोलों की संख्या, तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 0.67 प्लस 1.67 प्लस 2, कितना निकल कर आएगा, 7 7 14 है, 6 2 12 1 13 है, और 2 1 3, 3.34 मोल। गलत तो नहीं है भाई साहब, एक बार फिर से देख लो, 1 है 2 1 3 और 1 4 4 आएगा, है ना, ये आ गया मोल, ये मिश्रण। अब मोल प्रभाज निकालने का तरीका ये है कि जिस भी घटक का हमको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखना है। मतलब यदि मैं आपसे कह देता जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज निकालना है ना बच्चों, तो जल के मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, और नीचे किसके मोल की संख्या रखेंगे, नीचे मिश्रण के मोलों की संख्या, मिश्रण के मोलों की संख्या। बाकी बच्चों टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम में शेयर होता रहेगा, टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इसको, आज नहीं तो कल टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। जल के मोलों की संख्या 0.67 आया है, और पूरा मिश्रण का आया है 4.34, 4 का भाग देंगे, 4 एकम से जाएगा, तो 0.15 आएगा लगभग। ऐसे आप जल के मोल प्रभाज निकालना भैया, तो निकाल लिया आपने, अब एसटी कमल के मोल प्रभाज निकालना, तो एसटी कमल के मोल की संख्या को ऊपर रखो और नीचे पूरे का मान रखो। मतलब इसी प्रकार से मोल प्रभाज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन, तो आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें है क्या, सबके मोल की संख्या निकालो, जब मोल की संख्या निकल आती है बच्चों, तो मोल की संख्या क्या करते हैं, जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना उसके मोल की संख्या को ऊपर रखना है और नीचे बिलियन के समस्त घटकों के मोल की संख्या रखना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न पीपीएम से लेकर है, पार्ट्स पर मिलियन से। देखो पीपीएम में सांद्रण निकालना है, तो पीपीएम में सांद्रण कैसे निकाली जाती है बच्चों, पीपीएम में सांद्रण कैसे निकाली जाती है, जिसका भी जैसे दो घटक है, जैसे मान लीजिए विलेय का ही सांद्रण निकालना है हम, यहाँ पर ऑक्सीजन विलेय है, जल में ऑक्सीजन विलेय है, तो ऑक्सीजन का सांद्रण मतलब विलेय का सांद्रण निकालना है, तो विलेय का द्रव्यमान आपको ऊपर रखना है और नीचे टोटल जितना भी बिलियन है, नीचे बिलियन का द्रव्यमान रखना है, किसका रखना है, बिलियन का द्रव्यमान, और गुणे 10^6 करना है। इसका वैल्यू है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, जल में इतना ग्राम ऑक्सीजन है, 5.8 × 10^3 इतना मिला है, विलयन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 10^3 ग्राम यानी 1000 ग्राम, और 10^6 ही है, यहां से आपका अर्ध 3 बचेगा, आंसर तो आ ही गया, ये भी कट जाएगा प्लस माइनस, तो बचा 5.8 ppm। देखो भाई एक लाइन में आ गया, पीपीएम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा पीपीएम से करा दो भाई, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई। ये मैराथन का तात्पर्य है कि आप लोग यदि भाई साहब पहली बार आए हैं ना, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये चैनल में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपको बच्चों मैं आश्वासन देता हूँ कि यदि आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो गारंटेड क्वेश्चन आना ही आना है, यहीं से भी प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना सीख जाओ, और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ये चीज़ अभी चाहे बाद में आपको जरूर टेलीग्राम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पूरा सॉल्यूशन सहित भेज दूंगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने मोलरता का क्वेश्चन नहीं देखा बच्चों, और अब इसमें मोलरता आप लोग विधिवत थोड़ा सीख जाएं, क्योंकि हर टाइप से क्वेश्चन कराना है ना, और कोई भी टाइप यदि आ जाए तो आपसे बनना चाहिए, मोलरता आ जाए तो मोलरता में क्या क्या चीज चाहिए होता है यहां पर आप सीख जाओगे। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इतना ग्राम जल में मिला है, मतलब NaOH की मात्रा दे रखी है, NaOH की मात्रा को हमने शुरू से ही कहा भाई विलेय है, तो विलेय को हम WB से दर्शाते हैं, जिसका मान है 2.46 ग्राम, ये चीज हो गया। फिर इस जल में विलेय कर दिया गया तो टोटल फ्लास्क में कुल आयतन आ गया, फ्लास्क में कुल आयतन मतलब आपका आयतन आ गया, बिलियन का मान आ गया 100 m³, सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब मतलब आयतन होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कह दूं कि NaOH का आणविक द्रव्यमान, कि आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालोगे आणविक द्रव्यमान, देखो बच्चों मतलब MB का मान निकालना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी टोटल हो गया आपका 40।
आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 40। अब आपके पास आणविक द्रव्यमान 40 है, इसको कितना आसानी से करेंगे, देखिएगा आपके पास मोलरता है भैया। मोलरता कैसे निकाला जाता है, मोलरता का फार्मूला होता है मोलरता का WB बटा MB गुणा 1000 बटा VML मिलीलीटर में आयतन। कितना सिंपल है, देखो WB का मान हमारे पास है 2.46 और इसका मान है आपके पास 40 गुणे 1000 बटा VML, VML का मान कितना है 100। अरे भैया 00 से 00 10 से ये जीरो कट गया, 4 6 24 आ रहा है और फिर एक यहाँ पे आएगा 4 1 कम 4 फिर एक बचेगा, तो एक बचेगा भाई 4 1 कम 4 हो जाए 2 बचेगा 5 से जाएगा 4 5 20 ये लो आ गया आंसर आ गया बच्चा आंसर आ गया। ये है आपका मोलरता से क्वेश्चन। इसी मोलरता का परिभाषा क्या, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ये फार्मूला होता है, बस आपको फार्मूला याद करना है और फार्मूला नहीं किए हो तो फिर दिक्कत है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको हर स्ट्रेटजी बताया जा रहा है, तो इसके पहले आपने और वीडियोस नहीं देखे तो जाकर के देख लो। ऐसे ही इस क्वेश्चन का आप लोग नॉर्मलता निकाल लो। नॉर्मलता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिमिलर है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, परिभाषा पढ़ा है। परिभाषा क्या होता है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या। यहां पर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की बात कर दी गई। अब देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम मतलब NaOH, NaOH की मात्रा कितना बच्चों, WB 2 ग्राम, ठीक है 250 ml, यानी VML में देके रखा है 250 ml। NaOH का आणविक द्रव्यमान बताओ भाई, आणविक द्रव्यमान अभी आपने इसके पहले निकाला है, आणविक द्रव्यमान कितना है आपका 40, लेकिन यहां पर तुल्यांक द्रव्यमान निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार होता है अणुभार, अणुभार बटे संयोजकता। मैं निकाल कर बता रहा हूं ना, कभी आ गया। अब देखो अणुभार 40 है, जब इसको तोड़ोगे प्लस माइनस संयोजकता एक ही निकलेगी, तो इसका मान 40 आ गया। तोड़ कर दिखा दिया, पेपर में भी आप मत तोड़ देना, नहीं तो फिर गए काम से। अब हमको नॉर्मलता निकालना है, WB बटा यहाँ पर MB नहीं होगा, EB होगा, ये जो मान आया ना तुल्यांकी भार वो EB हो जाता है, गुणे 1000 बटा VML। बाकी सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। WB का मान कितना है 2, EB का मान आपका 40, बाकी 1000 बटा 250, ये चौकों से कट गया, 4 2 40 और ये कटेगा तो 0.2 आ जाएगा। ये भैया इतना इजी है यार, इतना इजी है न्यूमेरिकल्स, इतना इजी है। अब शुरू सोचा होगा बच्चा कि अरे यार शुरू में तो बड़ा कठिन था, अब तो मज़ा आ रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में मज़ा आता है, कभी कठिन नहीं रहता, मेरे लिए तो बहुत ईजी है। अब आप लोग यह प्रैक्टिस करोगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल मतलब टी हाफ बराबर दे के रखा बच्चों कितना 60 मिनट, कितना 60 मिनट दे के रखा है। कितने समय में मतलब यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है, पूरा टाइम निकालना है, अज्ञात है, ठीक है। कितने समय में ये 90% पूर्ण हो जाता है, तो आप लोग जैसे अर्धायुकाल दिया है, तो चूंकि आपका अर्धायुकाल का फार्मूला कितना होता है 0.693 अपॉन k, ठीक है। यदि मैं इससे कह दूं कि k का मान निकालो तो आप कहोगे सर 0.693 में टी हाफ का क्या कर दें, भाग कर दें, तो k का मान निकल कर आ जाएगा। जैसे 0.693 में आप लोग 60 का भाग दो, ठीक है। तो जब बच्चों देखिएगा एक और जीरो का भाग देंगे, देखिए एक और जीरो का भाग देंगे, यहाँ पर थोड़ा समझना है, तो 0.1 अंक और पहले लग जाएगा। अब 6 का भाग देंगे, देखिए 0.0 है तो 0.0 है, 6 1 कम 6 एक से जाएगा बचेगा 1, 6 2 12 36 18, ठीक है सॉरी यहाँ पे 6 1 कम 6 पूरा चला गया है ना, फिर 9 है तो 6 1 कम 6 से जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों मैं सोचा कि 5 से भाग कर रहा हूँ, तो 6 1 कम 6 हो गया, 6 1 कम 6 हो गया, 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। भाई 0.2 3 अंक तक बहुत है, काफ़ी है। अब क्या पूछा है, कितने समय में मुझे पूरा टी का मान निकालना है, तो मुझे ये अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि के बराबर होता है 2.303 अपान ये आपका टी होता है, फिर लॉग, लॉग आप यहां पर चाहे ए, ए मतलब
ए नॉट का मतलब हो जाता है प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कितना सांद्रण आपका ये बचा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो प्रारंभिक सांद्रण है और अभिक्रिया के बाद ये सांद्रण है, ठीक। तो यदि मैं आपको प्रारंभिक सांद्रण की बात करूं तो प्रारंभिक सांद्रण कोई भी आपका 100% रहता है, कितना परसेंट, तब मैं आपसे कह दूंगा ए बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई आप जितना आपका प्रारंभ में 100 था, 100 में 90 कंप्लीट हो गया है, तो ये आपका हो गया 10, कितना हो गया 10, सिंपल है। आप लोग कभी कभी ऐसा भी देखने को है ना मिल जाता है, देखिए 2.303/t, तो कंफ्यूज मत होना, यहां पर आपका ए लॉग और ए माइनस एक्स, यहां पर ए का मतलब है प्रारंभिक सांद्रण 100% और एक्स का मतलब है कितना कंप्लीट हो गया, तो 90 कंप्लीट हो गया, तो ए माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 90 10 बचा, ठीक है। इसलिए के बराबर देखिएगा यहां पर आपका 2.303 है, वैसे इससे टी का मान निकाल सकता हूं, सही है कि नहीं, टी का मान तो ठीक रहेगा, इसलिए आप कर लो टी बराबर, कितना टी बराबर 2.303/k कर दोगे, वहां की इधर वही रहेगा, लॉग हो जाएगा ए नॉट अपान ए, ठीक। वैल्यू पुट करो बच्चों, जीरो यानी 2.303 है और k का मान आपका कितना निकल कर रहा है 0.0115, फिर ये लॉग है ही है आपका, ऊपर 100 और नीचे 10, जीरो से जीरो कट गया, लॉग 10 बचेगा। वैसे दशमलव के बाद 3 अंक है, देखो दशमलव हटाने का तरीका बताता हूँ, दशमलव ऊपर भी हटा दिया नीचे भी हटा दिया, बस आप दशमलव हटाने का तरीका ये है कि नीचे यहाँ पे कितने अंक, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो ऊपर 4 अंक, 4 जीरो बढ़ाओ, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 जीरो है, तो यहाँ 3 जीरो बढ़ाओ, ठीक है, ऊपर 4 जीरो नीचे 3 जीरो, ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर बचा लॉग 10, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ख़त्म कहानी, मतलब 23 0 3 और एक जीरो और बढ़ गया, इसमें 115 का भाग देंगे। लॉग 10 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर भी आपका बेस है, ये लॉग 10 ही रहता है हर जगह प्रथम कोटि में, इसका मान हो जाएगा 1, भाग दे दो भाई, तो 115 है यहाँ पे, तो 115 × 230 जा रहा है, फिर भाग न पहुँचे लब्ध है सुन, लगभग मतलब यहाँ पर तो एक अंक से और न जाएगा, फिर जाएगा, फिर दशमलव में जाएगा बच्चों, फिर 2 से जाएगा, क्योंकि 3 से 300 हो जाएगा, तो ये आएगा लगभग, तो लगभग आपका 200 मिनट होगा, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो यदि आप मान लीजिए दशमलव के बाद नहीं लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पर 200 मिनट यहाँ पर लिख देंगे लगभग, लगभग में क्या होता है टीचर भी समझेगा, दशमलव में एक पॉइंट इधर उधर रहा होगा, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वैल्यू पुट करते बनना चाहिए, आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99%, चलो ठीक है, पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के दुगुना होता है, दोनों कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हल करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, पहले आप लोग इतना समझो कि के बराबर होता है 2.303/t, ये चीज़ क्लियर है। फिर लॉग होता है आपका, ऊपर हो जाएगा ए नॉट यानी प्रारंभिक सांद्रण, जैसे कोई 100% है, फिर 99% हुआ तो नीचे बचेगा 1%, फिर जैसे मान लीजिए 100% है और आपका जब 90%, तो दूसरा कंडीशन, तो यहाँ पर कंडीशन हम फर्स्ट लेके चलेंगे, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट है जब अभिक्रिया कितना हो बच्चों, अभिक्रिया 99% पूर्ण हो, तो मतलब ए का जो प्रारंभिक सांद्रण अभिकारक का, तो 100% रहेगा, वह ए कितना रहेगा, जैसा हमने आपको इसके पहले बताया कि 100 में से 99 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए के बराबर देखिए 2.303 रहने दीजिए, और टी है ना बच्चों 99% मतलब 0.99, कहने का मतलब 0.99 का मतलब यदि 10 हो जाता तो 1 हो जाता, तो 0.99 टी आपको हम ऐसे मतलब 99% को ऐसा दर्शाएंगे। फिर लॉग हो जाएगा, यहाँ पर ए नॉट का मान कितना है, यहाँ पे 100 है स्टार्टिंग में, और जो ए है हमारा 1 बचा, इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा 2.303, देखिए इसको ऐसा ही आगे लिख देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यहाँ पर आपको बच्चों 2.303 और टी आपका 0.99 कर रहे हैं, ठीक है, लॉग 10 का स्क्वायर,
अब लॉग एम का पावर एन होता है तो आपका सामने आता है, तो यहाँ पर 0.99 ये लॉग एम के पावर एन है ना, तो दो सामने आ जाएगा लॉग 10, और लॉग 10 का मान आपने एक पढ़ा है, चूंकि लॉग 10 का मान कितना है एक, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 टी 0.99 है ना, और ये इसका मान एक हो जाएगा गुणा दो, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4, 6, या कि ऐसे ही रहने दो क्योंकि सिद्ध भी करना है ना, दुगुना होता है, इतना ही रहने दो, समीकरण एक दे दो। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, जब अभिक्रिया 90% पूर्ण हो, जब अभिक्रिया कितना परसेंट हो, 90% पूर्ण हो, जब 90% पूर्ण के लिए पूछा जाएगा तो मतलब ए नॉट जो होगा वो तो 100 ही रहेगा, लेकिन ए बराबर कितना होगा सर, जो आपका 100 है 100 में 90 घटा दो तो आपका आ जाएगा 10, इसलिए के बराबर 2.303 टी 0.90 इस बार करेंगे, लॉग ए का मान हमारा 100 है और नीचे आपका 10, ये कट जाएगा बच्चों, लॉग 10 बचेगा, यानी 2.303 0.90 लॉग 10 इसका मान हो जाएगा एक, तो के बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन टी 0.90, इसको आप समीकरण दो दे दो। अब समीकरण एक, के बराबर यहाँ भी समीकरण एक हुआ दो से देखो जरा यहाँ पर कितना है 2.303 अपॉन टी 0.99 इंटू टू इक्वल 2.303 अपॉन 0.90, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, पक्षांतर होगा बच्चों, ये इधर तो आपका टी 0.99 इक्वल आ जाएगा 2 इंटू टी 0.90, यही हमें सिद्ध भी करना था कि 99% पूर्ण होने में जो लगा समय है, ठीक है, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने लगे समय के दुगुना होता है, यानी कोई भी अभिक्रिया है जब 99% हो रहा है वो 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है, यही तो सिद्ध करना था, क्वेश्चन भी तो यही बोला था ना, सिद्ध कीजिए कि दुगुना है, तो सिद्ध हो गया, ठीक, यही हमारा आंसर हो गया, जो क्वेश्चन में बोला था वही चीज अपन ने कर लिया। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 30% वियोजित हो जाती है, वही ना 100 में से 30%, मतलब बचा कितना 70, यही बच रहा है। 40 मिनट लगते हैं, टी हाफ की गणना करिए, चलिए हल करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सबको पता है, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर कितना होता बच्चों, 2.303 अपॉन टी, ये आपका लॉग हो जाएगा, बाकी 30% के लिए हम 30% लिख सकते हैं फिलहाल, अभी इतना समझो, यहाँ पे हो जाता है आपका ए नॉट अपॉन ए, ठीक, यहाँ पर आप देखो चूंकि ए नॉट कितना है, टी बराबर तो 40 मिनट देके रखा है, प्रारंभिक सांद्रण कोई पूछेगा तो आप कहोगे सर किसी का भी 100 रहता है, ए बराबर कितना होगा तो कहोगे सर 100 में से 30 वियोजित हो गया है तो बचा कितना 70, कितना बचा 70, तो यहां पर रखते हैं के बराबर, टी हाफ निकालेंगे लेकिन के का मान निकल कर आएगा तब, 2.303 और टी का मान आपका 40, लॉग यहां पे आपका 100 हो जाएगा, नीचे 70, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2.303, यहां पे हो जाएगा लॉग, और यहां पे बच्चों 7 का भाग देंगे, 7 × 1 = 7, भाग न पहुंचे लब्ध सुन, फिर 2 बचेगा 7 × 4 = 28, फिर 7 × 3 = 21 लगभग। अब इसका मान, यदि मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आया तो लघुगणक की सारणी दी जाएगी, नहीं तो यहां पे आपका लॉग मान दिया रहेगा, इसका मान है 0.1554, ठीक है, ये तो मुझे याद है क्योंकि हर वर्ष पढ़ाता हूं, तो आप लोगों से हो सकता है याद ना हो, बाकी ये मुझे याद भी है और हो सकता है आपसे भी याद हो जाए, अभी इसके पहले भी आपका एक क्वेश्चन आया था ना, 115 था वहां पे, और यहां 155 है, तो थोड़ा सा याद रख लेना, तो वैसे भी याद रहेगा।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसका जो मान है, इसका मान है रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना जानते हैं 0.1554। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो आपको करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये आपका मान लीजिए जीरो है, इसको हटाना चाहे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ पे 0.2 यहाँ पे हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा यहाँ 1554/4। चार से भाग इसमें तो नहीं जा सकता, इसमें देखो 4 3 12 ठीक है, बचेगा कितना 3, 4 8 32 फिर 4 8 32 मतलब लगभग जो है इससे ही काटता हूँ। ठीक है, देखिए 4 3 12 बचेगा 3 तो 35 हो जाएगा, 4 9 36 तो 4 8 32 ठीक है, फिर आपका 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 4 8 32 4 5 20 ये लंबा चौड़ा आ रहा है। और ये लगभग कितना आएगा, ऐसे मैं दिमाग लगाता हूँ, देखिए 3 2 6 मतलब 7 के लगभग समथिंग आएगा, है ना। ये यदि मैं करूँगा 3 2 6 और हासिल भी आ सकता है तो थोड़ा 6 7 8 ऐसे ही आएगा। तो एक लंबा चौड़ा गुणा करने के बाद बच्चों आता है 0.089471, आगे आता है कोई मतलब नहीं। अब देखो मैं ये चाहता हूँ कि दशमलव एक अंक के बाद रहे, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय दशमलव एक अंक के बाद ही लगाते, जैसे 8.94 कर दिया तो कितना दशमलव खिसकाया, 2 अंक दशमलव खिसका दिया, देख लो भला 2 अंक का दशमलव खिसकाया मैंने, 1 2 यहाँ पे पहली बात 2 अंक का दशमलव खिसका दिया ठीक है, और 1 दशमलव हाई है तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 घाते आप -3 का गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे गलतियाँ हैं, क्या गलती हैं मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जब 4 का मैंने भाग दिया तो भाग न पहुँचे लब्ध सुन जाता है तो 1 0 और लग जाएगा तो ये 10 घाते -3 हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 अंक खिसकाया तभी यहाँ पे 10 घाते -3 गुणा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी त्रुटि था। अब बच्चों मुझे क्या करना है, टी हाफ निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, टी हाफ का मतलब ये, इसका मान होता है 0.693, थ्योरम आपने पढ़ा होगा के। अब इसकी वैल्यू पुट करो 0.693 डिवाइड बाय के का मान है 8.94 × 10^-3। एक काम करो ना, ये जो -3 ऊपर ले जाओ, देखो दशमलव से दशमलव हटा दो, दशमलव हटाने का तरीका बताता हूँ, 6 9 3 ऊपर कर दो और नीचे 8 9 4 कर दो, कुछ भी नहीं, 2 0 लगा दो ऊपर क्योंकि 2 अंक हैं, 3 0 लगा दो, 3 0 भाई यहाँ पे 3 अंक है, 3 0 नीचे, और ये आपका है 3 0 ऊपर जाएगा तो इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब आपका 6 9 3 और 00 डिवाइड बाय 8 9 4। जब आप भाग दोगे बच्चों इससे तो 1 से तो जा नहीं सकता, 0 लग जाएगा, 8 7 56 8 9 64 और 9 से गुणा ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से जाएगा, ये 7 7 से ही जाता है ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को भाग गुणा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, अभी यहाँ पर सुपर फास्ट में हम नहीं करा सकते, इतना लंबा भाग 5 मिनट लगेगा, इससे एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता है बच्चों, सुपर फास्ट करेंगे इसमें, ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेंगे। पहले यहाँ पर देखो आप, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है तो अर्धायुकाल निकालना है। तो यहाँ पर पहले टी बराबर दिया है कितना, 40 मिनट, ये तो पहला कंडीशन है, टी बराबर कितना है 40 मिनट। फिर आपका कितना परसेंट पूर्ण हो जाता है बच्चों, मतलब ए बराबर आपका, यदि ए नॉट बराबर यदि आपका 100 है ठीक है, तो आप ए बराबर कह सकते हो कि सर 100 में 90 घटा देंगे तो मतलब आपका 10 आ जाएगा ठीक। अर्धायुकाल निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, के का मान निकालना पड़ेगा, इसका मान है 2.303/T लॉग हो जाता है बच्चों, ए नॉट अपान ए हो जाता है ठीक है, सुपर फास्ट है भाई, थोड़ा सा देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे, 2.303/T का मान है 40 लॉग 100 में/10 का भाग देंगे तो बचेगा 10 बचेगा, तो यहाँ पर के बराबर 2.303/T ठीक है, यहाँ पर लॉग 10 होगा, लॉग 10 का मान 1 हो जाता है तो टी का मान 40 सही है, 40 रख दो, 2.303/40 और इसका मान 1 हो गया, इसका भाग दे दो बच्चों, भाग दे दो। जब देखिएगा भाग देंगे तो सबसे पहले 0 का भाग देंगे तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 0.2303/4, अब भाग न पहुँचे लब्ध शून्य इसलिए दशमलव के बाद भी 0 लग जाएगा, फिर 5 4 4 5 20
फिर 30, तो 4 7 28, 4 7 28, 28 दो बचेगा, तो फिर 4 5 20, फिर 4 7 28, ये आ गया आपका। अब मैंने कहा दशमलव मान लीजिए एक अंक के बाद ही लगाना है, कभी भी कोई भी आपका नंबर हो तो ऐसे ही लगाना है, दशमलव आपका एक अंक के बाद जो आंसर आता है। तो आप ऐसा किए तो दशमलव दो अंक खिसकाए, मतलब 10 घाते -2 करा हमने, भाई 100 का भाग देंगे तभी तो ये खिसकेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 100 को नीचे ले गया, 100 को गुणा किया, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। ठीक, ये हमारा कंडीशन हुआ। अभी मुझे क्या निकालना था, टी हाफ। टी हाफ का फार्मूला है टी हाफ बराबर कितना है, आपने पढ़ा था 0.693/k, सही है, 0.693/k का मान है 5.575 गुणे 10 घाते -2। अब देखो दशमलव हटाने का तात्पर्य है 6 9 3 ऊपर सीधा रख दो, नीचे 5 5 7 5 सीधा रख दो, क्योंकि यहाँ पे तीन अंक के बाद, यहाँ पर दशमलव के बाद तीन अंक, दशमलव के बाद तीन अंक, तो खत्म कहानी। यदि कहते तो 3 0 ऊपर गुणा करता, 3 0 नीचे गुणा करता और 10 घाते 2 ऊपर जाता, इससे कट जाता, कितना बचता 6 9 3, 2 0 और बढ़ा दो, भाग करो 5 5 7 5, तो एकम से जाएगा, सीधा है, एकम से ही जाएगा, ठीक है। और एकम से 5 2 10, ठीक, तो बचेगा 19 लगभग, तो लगभग लगभग 2 से जाएगा, आगे भाग दोगे तो 0 3 मिनट, ठीक है, ये आ गया। भाग देने की कला आप लोगों के पास होना चाहिए, बिना भाग दिए काम नहीं हो सकता, इसलिए भाग देना सीख जाओ, नहीं है तो भाई पेपर के पहले सीख लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन देखो, टाइप वही है, थोड़ा सा प्रूव करना है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायु काल का लगभग 10 गुना होता है, कितना खतरनाक है। हल करते समय सबसे पहले देखो भाई कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है, उसके अर्धायु काल का 10 गुना होता है। सबसे पहली बात तो प्रारंभिक सांद्रण कितनी होगी, सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पर ए नाट बराबर, यदि मैं आपसे 0 कहूँ तो ए नाट मतलब 100, तो आप ए बराबर कहोगे सर कि 100 में से 99.9 घटा दो, मतलब इसका आएगा 0.1%। लो ये कंडीशन है। इसके अलावा टाइम भी तो दिया नहीं है, टाइम तो दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं है, के बराबर आप लगाओ 2.303/ कितना होता है, टी होता है, लाग होता है, ए नाट अपान ए हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर के बराबर आ जाएगा 2.303/t, लाग हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, देखो दशमलव हटाऊंगा तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, तो 2.303/t लाग हो जाएगा बच्चों 10^3 कर दो या 1000 कर दो, ठीक है। तो के बराबर आ गया 2.303/t लाग 10^3, 3 सामने आ जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, तो 2.303/k लाग m के पावर n होता है, तो n सामने आता है, तो 3 log यहाँ पर हो जाएगा 10, 3 log 10 हो जाएगा, log 10 का मान 1 होता है, तो k बराबर 2.303/t और बच्चों यहाँ पे इंटू 3 और log 10 का मान 1 हो गया, ठीक है। या इसको इधर ले जाए तो t बराबर हो गया 2.303 × 3 है ना, इंटू 3 अपान आपका के, या इसका गुणा कर दें 3 त्रिकाई 9 3 × 6/k, इसको समीकरण 1 दे दो। और चूंकि अर्धायु काल के लिए, अर्धायु काल के लिए टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693/k, इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 व 2 से t/t½ करो, तो t का मान कितना है 6.909/k, इधर है 0.693/k, के से k कट गया बच्चों, दशमलव से दशमलव हटा दो, दशमलव से दशमलव हटा दो, तो बचेगा 6909/693। देखो लगभग लगभग ये इसके 10 गुना है, लगभग लगभग आपके ये 10 गुना है, t/t½ 10, तो यहाँ पर आ गया t = 10 × t½, यही तो सिद्ध करना था, अर्धायु काल का 10 गुना है। अब क्रिया को जो पूर्ण होने में जो समय लगा वो अर्धायु काल का 10 गुना है, ठीक है। कुल मिला के इतना पूर्ण होने में, 99.9% पूर्ण होने में भाई जो अर्धायु का आपका 10 गुना समय लगता है।
तो एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक आप करते जाते हैं, आंसर आसानी से आ जाता है, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं करते हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको कोई कितना आसान क्वेश्चन क्यों ना दे दे। अगला प्रश्न बच्चों सिमिलर है, देखिए प्रथम कोटि अब क्रिया का अर्धायुकाल 15 मिनट है, चलिए हल करते हैं चलते चलते हैं, जहाँ की देके रखा है अर्धायुकाल, तो पहले चूंकि प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल लगा लो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मतलब टी हाफ बराबर दिया है कितना 15 मिनट, मतलब यहाँ से मैं यदि अब टी हाफ बराबर कहूँ तो अब आपको तो याद हो गया होगा 693 अपांसर के, है ना, मतलब के बराबर यदि मैं यहाँ से कहूँ के बराबर बताओ तो के बराबर आप कहोगे 0.693 अपान टी हाफ, यही होगा, तो के बराबर आ जाएगा 0.693 अपान 15 कर दो बस, ठीक है। आगे क्या बोला है, इस अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगे समय की गणना करनी है, ए बराबर सबको पता है 100 मानेंगे, तो ए नॉट है स्टार्टिंग का, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 90% पूर्ण होने में, तो बचा कितना 100 में आप 90 घटा दो 10 बचा, ठीक। अब यहां से थोड़ा सा समझना है कि यहां से वैल्यू क्या पुट कर दें, तो भाई आप प्रथम कोटि लगाओगे तो 2.303 अपान टी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और लॉग हो जाएगा ए नॉट अपान ए। अब बच्चों इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, क्योंकि टी निकालना है तो 2.303 अपान के लॉग 100 अपान 10 तो ये कट जाएगा, ठीक, फिर 2.303 के का मान कितना है ये आपका दिया है 0.693 अपान 15 लॉग 10, लॉग 10 का मान एक होता है 15 ऊपर जा चला जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय 0.693 इंटू 15 बताओ कितना आएगा, बताओ भाई कितना आएगा इसका, 15 का गुणा कर दें इससे, है ना, 15 तिया 45 की 5 ये 4 हो जाएगा, 15 तिया 45 की 5 हासिल 4 हो जाएगा, 15 दूना 30 30 4 34 डिवाइड बाय 693 दशमलव दशमलव हटा दो मतलब 34 5 4 5 अपान 6 9 3 भाग करो 6 का, भागना पहुँचे लगभग 4 अंक से जाएगा, 6 चौको 24 6 पंचे 30 मतलब 7 है, 7 चौक 28 चला जाएगा भाग, तो लगभग लगभग जब इसको आप भाग करोगे बच्चों तो 49 लगभग आएगा 8 3 मिनट, ये आपका समय आ गया, लगभग बोला है ना लगभग, ठीक है ये लगभग आएगा। आप कहोगे सर ये भाग ही तो नहीं बनता है, और जब भाग ही नहीं बनता है तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत है, भाग नहीं बनेगा तो खत्म, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे कि गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी रहेगी, गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी, गुणा भाग आपको करना ही पड़ेगा। ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो, आप लोगों के लिए है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपका 60 सेकंड इनवर्स है, मतलब यहाँ पर है ना के का मान दे के रखा है, प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने पर कितना समय लगेगा, देखो बोला क्या है, हल करते समय के का मान दिया है, किसका मान दिया है के का मान, के का मान दिया है बच्चों 60 सेकंड इनवर्स है, ठीक, और बोला यदि प्रारंभिक सांद्रण जो आपका है वो 1 है, कितना 1, तो जो शेष रह जाता है वो 1/16 भाग है, ठीक, तो के बराबर आपका होता है 2.303 अपान टी लॉग ए नॉट अपान ए, तो टी बराबर हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग ए नॉट अपान ए, वैल्यू पुट करो टी बराबर 2.303, के का मान कितना है, के का मान है 60, के का मान दिया है ना, तो यहां पर मैं 60 कर दूं, ठीक, लॉग 1/16 ये ऊपर चला जाएगा, तो 2.303 अपॉन 60 लॉग ये 16 बचेगा,
टी 2.303 अपॉन 60 लॉग 2 का पावर 4, यही आएगा ना। फिर जब बच्चों लॉग एम की पावर एन एन क्या हो सामने आ जाता है, 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 लॉग 2। अब थोड़ा देखिएगा, यहां पर आपका 2.303 इंटू 4 लॉग 2 का मान होता है 0.3010 बटा 60। गुणा करोगे बच्चों लगभग, तो देखो यदि आप गुणा कर दो 2.303 तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 4 × 3 = 12, मतलब 1.2 ऐसा करके आएगा बटा 60। अब 12 × 2 = 24, तो लगभग इसका गुणा करोगे तो 2.77 आएगा। फिर 60 का भाग दे देना बच्चों तो 0.046 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करना मैंने गुणा करना भी सिखा दिया, 12 का इससे गुणा करते रहना, दशमलव लगाते रहना, फिर 60 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इससे रिलेटेड ही आएगा, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आज तक ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करें, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।